की कॉल आ रही है। देख लो, मैंने मेरी सास सुर मेरे बेटे को गिफ्ट कौन देने एनिवर्सरी पे। मेरी तरफ तो इस खतर गिफ्ट है एनिवर्सरी पे। मैं चूड़ा देख ले थी, पर इनमें तो वे गई। हां अपन जूते चप्पल की दुकान पर उधर इनको लग रही है चप्पल देखने। हैप्पी एनिवर्सरी का तो मिल गया, ये लेने हैं, ये अपन दो लेने पड़ेगी। और मैं ही काफी देर हो गए अंदर को आना, ये खड़ा हूं बस स्टैंड पे। सबसे पहले तो ये सूट है, इसमें मेरा रेड कलर का सूट है। हाँ जी, राम राम जी सारे ने। और वीडियो देखने तो आप आए गए हो, और मैं उम्मीद है वीडियो देख कर आपने मजा भी आया होगा। पर उससे पहला आपने वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उस पर अपना प्यारा सा क्लिक करके अपने चैनल सब्सक्राइब कर लो, और साथ में घंटी का बटन भी दबा दियो, ताकि आगे आने वाली सारी वीडियो की अपडेट आपने सबसे पहला मिलती रहे, और आपका और हमारा साथ आगे नुए बनिया रहे। हेलो जी, राम राम जी। और टाइम तो आज 12 हो रहे हैं, 12 बज रहे हैं पूरे। इवलॉग की शुरुआत करी, वैसे तो काफी टाइम हो गया, वैसे हम बैठे थे, सुस्ती सी हो रही है जी। इवलॉग उठे हुए उन्होंने व्लॉग पब्लिश भी कौन कराया, तो व्लॉग पब्लिश कर देंगे। रात ना लेट सोए, और उनका कई दिन की नींद हो रही है, तो उस चक्कर में वे लेट उठे, तो उसका चक्कर में मैं भी, उनका चक्कर में मैं भी लेट उठी, साइड में सोती रही है मैं भी अपना आराम से। और आज मैं आपके सवेरे सवेरे काम जू में लाऊ हूँ, लड़के का नाम बताना है आपने, एस पे, एस फोर शीप और सह सिलगम पे, मतलब एस पे लड़के का नाम बताना है, एस अक्षर पे। तो अच्छे अच्छे नाम आप कमेंट में डाल दियो, और देखांगे कि कौन सा नाम बेस्ट होगा, वो ही हम रखांगे। और फिलहाल आप व्लॉग ने लाइक कर दो, और आज है 24 तारीख, कल ने है 25, और 25 ना आप दो रहे हो व्लॉग आया, तो आज हमारी एनिवर्सरी है, तो विश तो करना बनता है। और हीरा मोती नाम बताओ कोई, एस पे लड़के का नाम बताओ, जैसे 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 साहिल, जैसे जैसे सपेरा। बताओ, डर गए तुम? और ईब एक बज रहा है, मैं उठा हूँ, ईब पे मैंने व्लॉग पब्लिश करा है। पिछले 2-3 दिन हो गए व्लॉग भी अपना टाइम पे नहीं आ पाया था, व्लॉग का टाइम कोई चेंज नहीं करा, व्लॉग उसी टाइम पाया करेगा अपना सवेरे, पर लेटेस्ट करके हुआ था क्योंकि मैं मतलब मेरा शेड्यूल खराब हो रहा था। आज जाएगा मेरी नींद पूरी हुई है कुछ, और ईब मैं रोटी खाऊंगा। जो इनती मेरे पर अत्याचार करने का प्लान कराया था सासू बहुआ ने कि उस तक खिलावांगा, वो मैंने खाई को नहीं, तो ये आलू की सब्जी मेरे लिए बनाई जा रही है के फतू। तो ये मेरे खतर आलू की सब्जी बनाई जा रही है, शिमला मिर्च है, 2 शिमला मिर्च गिर दूंगी, इतनी स्वाद टेस्ट, कोई चक्कर नहीं, मिर्चा ना लग कैडे का खा लेंगे अपन। फिर मेरे नु नहीं समझ में आंदे क्या खातर ले आए मैं शिमला मिर्च। और मां लग रही है उड़ा सिर धोने, और ये अपने हिरड़े मोतड़ी, ओए हीरे मोती, ओए हीरे मोती, ओए टन 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 टन। और हाँ, अपना वीके भाई का भी रेत फोन ले लिया था, उसका आया था मेरे लोग 11 बजे से, वो उड़ा मतलब पहुंच लिया था आराम से। आगे अपना और मित्र था जो, उसके लोग वो बग गया सेफली है, सारा कुछ ठीक ठाक हो गया, मजे था उड़ा पहुंच गया। और बाकी इस चीज का मन मेरा उदास भी है भाई, पहला नुआ करता घर तैली गिड़ता, नरुआना जाता एक मित्र पा, कैथल जाता वीके पाता, पेवा जाता सनी पाता, इन सारे राह खाली घड़िया कोई नहीं पाता मुझे। तो मेरे जितने दोस्त हैं लगभग सारे बैर जैली हैं, जो रह रहे हैं वहां जाने की तैयारी कर रहे हैं। और बस ये नुआ बात चल रही थी मेरी भी रिंकू की, भाई न्यू है, न्यू है तो ठीक हो जाएगा, काम करका आवागा, नू करका आवा, ये करका आवागा। मां लग रही थी बातचीत करने, बेचारा कई बार कैसा लम आवागा, उड़ा बुखार भी हो जाए, कौन संभाला। तो सारे नुआ फिक्र चल रहे तो ना, ये सुत्या होगा उठे पाछे, एक बार फोन करांगे जो मात आई बात करा दूंगा उसकी, रिंकू दाई बाकी सारे नहीं, फिर थोड़ी शांति बढ़ाई करेंगे। और ये मैंने अली तैयार भी हो ली, और ये रोटी खान ले रहे है, एक बार तो इनने चाय पी ली थी, वह चानू इस करके पी ली थी, इन बोले मेरे खातर चाह बनाए दे नहीं, मैं तेरे को लड़ पड़ूंगा, चिड़चिड़ा हो रहा हूँ भूख में। तो उसका अच्छा तेरा फायदा रहेगा कि तुमने 2 घूट चाह बना के दे दे, फिर तू सब्जी रोटी को यहीं बनाए जाइए, तो मैंने एक बार बना के दे दी थी सब्जी, में बन गई सब्जी, किसी बन रही है लगाई आपने थोड़ी सी है। हाँ ठीक है, पहुंच गया सही, कॉल आ रही है। चलो ठीक है, बड़ी मत मारी भाई, तो सब
नू आगरा भी इतने साल धक्के खा लिए थे, जब नू हो जाने बस उसमें पैर टेक क्या पाछे नू यकीन होगा भाई हाँ मैं पहुंच लिया। अरे मैं भी नहीं लिया हूँ कह दो। और मैं भी नहीं लिया हूँ। और ये बापा चल लेंगे टुआने, रिंकू ने कुछ इसका सामान लेना है। सामान तो लेना मतलब कल की तैयारी करनी है, कल ने अपनी एनिवर्सरी है ना, शादी की सालगिरह है, तो उस खातर जो भी है चीजें सोच रही है, जो भी तैयारियां करनी है, सारा सामान ही ले आवांगे। टुआने चल लेंगे आपा, 3 बज गए हैं तो चलना बस। मेहरमान भी लिस्ट बनवा दी क्योंकि गणेश सामान राशन का लेके आना है, तो मेरे याद करो, तो इस करके मैंने व्हाट्सएप पे मैसेज भेज दिया। मिल तो जावे मतलब राशन का तो अपना अपनी दुकान पता हुआ है, मतलब है राशन में ऐड कर सका हूं उरो कौन मिलदा, वो तो ठीक है समझ गई मैं, पर ऐड तो है तो राशन में, तो वो उरो कौन मिलदा, मतलब राशन का सामान रसोई का सामान लेके आना है, मेन बात यह है। और कुछ मैंने मेरा सामान भी लेके आना है, वो आपने मैं सारा कुछ आया पाछ दिखा दूंगी। तड़के की तैयारी करनी है मैंने मेरी एनिवर्सरी की। और मां आपका नाम का क्या लेना है, एक सूट आया आपका नहीं, आप मने के दुआओगे के गिफ्ट दोगे, मानू का ना बेटा मेरा तो कुछ नहीं। एक सूट पड़ाओगे ठीक है, तो मेरी माँ का नाम का एक सूट पड़ोगा, लेना देख लो माँ ने सूट क्या है, सुनियो दे पीछे ले। हाँ खाता में फाल नहीं होगा, कभी खाता है रोज से बैठी हो फाल नहीं होगा, खाता में उसके रोज से बैठी है। तेरा माँ आड़े से दे देंगे, इसे दे देंगे आड़े से हमको, देख लो मैंने मेरी सास सूर मेरा बेटे को गिफ्ट कौन देने एनिवर्सरी पे, तो दे दे रही पीछे दे दे सूट पे, चल हाँ या भी ठीक है मैंने पैसे दे दियो। मेरी माँ की तरफ से जितनी बार भी मैंने गिफ्ट मिला करे नहीं तो पैसे ही मिला करे, और वे पैसे मैं हमेशा संभाल के रखा करूँ, और वे पैसे मेरे इसी चीज पर काम आओ, इसी चीज पर काम आओ जेडो मैंने जमाट ले करी हो। मेरी माँ के 500 रुपये दे हुए शुरू के, वे मैंने गुल्लक में भी गुनगा ले, वे तो गुल्लक मेरे पे है, जो पहली बार मेरी माँ ने मेरे तक मुंह दिखाई 500 रुपये दिए थे, इनने मेरे तक मुंह दिखाई 10 रुपये दिए थे, तो वे भी नुक्के नुद्ध रखे हैं 10 तो कह दिया मैंने, बोला कर दिए थे इसका मतलब कुछ भी गुन दिया, तो इनने मेरे तक कुछ भी गुन दिया कुछ भी। ओए हीरा मोती कुछ लेके आना है तेरा, आज मैंने है नी फोन में आवाज लगा दी तोतिया की, और जब तक यो हीरा है नी मतलब तुड़ाई ये कर रहा है, उरो को जुमा 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 एक्टिव हो गया। मौसम थोड़ा ठंडा है लेकिन फिर भी मैंने पानी की बोतल ले ली, प्यास लगती है। ओए तितली उड़ी बस में चढ़ी, ड्राइवर बोला हट, इसी कोई पोएम होया कर दी। गाड़ी की हालत भी जमा खराब हो रही है, धुआ हो रही है, और सर्विस भी महंग रही है शायद, चढ़ा दे मेरा पैर पे, पहला तो लग भी ठीक को नहीं होया है। और ये बापा पहुंच लिए हाँ टुआने, और ये चल लांगे बस सीधे मार्केट में, रिंकू ने जो सामान लेना है, मतलब मेरा सामान लेना है, और कल की जो तैयारी करनी है हमने मारी एनिवर्सरी की, हमें खुद ही तैयारी करनी है, चूड़ा चप्पल लड़ंग बड़ंग जो भी लेना है वो, और डेकोरेशन का जो भी सामान लेना है, फिर जो भी चीजें लेनी है वो मन्ना को नेरा के लेना है, क्योंकि मन्ना आइडिया नहीं है, तो रिंकू ले ली, मतलब सिर्फ आइडिया है पैसे देने का, सामान मैं खुद ले लूं। आपको तैयारी आपको करनी पड़ेगी उन्होंने, क्योंकि ना तो कोई सा बाड़ा, जिस तरह शुभम साहिल है वो है छोटे उनके नॉलेज को नहीं बेतनी चीजा की, संयम है बड़ा साहिल है वे है को नहीं, उनके स्कूल चालू हो रहे हो, तो इस करके ना जो भी चीजे है वो खुद ही करनी पड़ेगी, और ना मेरा छोटा देवर ना मेरे छोटी ननद भी आपकी तैयारी कर दे, सरप्राइज दे दे हमने, तो उस करके मैं खुद ही जुट जाऊंगी हमें तो। अरे एक ज्यादा सिस्टम नहीं होने, बड़ा प्रोग्राम भी कर लेंगे, अब कितना करांगे चलो तो देखी जाएगी कल नहीं, पर ज्यादा बड़ा भी कर लेंगे आप, पर उसका चीज यह है कि बर्थडे भी था ये। हाँ, मतलब कर लिए सेलिब्रेट, और जे फिर करन पाव मतलब भाई करन ही लागा तो बजट थोड़ा सा नहीं है इतना, तो अपना जिसी फैमिली है ना मतलब देसी तरीके की अपनी फैमिली, तो देसी तरीके पर ठीक ठाक एंजॉय करांगे, टेंशन नहीं लेनी। और यू जो भी डेकोरेशन का सामान लेवेगी रिंकू, जो भी चीजें होगी मतलब जो भी सिस्टम करेगी वो सारा मेरी तरफ से, इस खातर गिफ्ट है एनिवर्सरी का, और गिफ्ट है जब वाले गिफ्ट कह लियो मेरा, और कौन या कह लेगी मेरे तेनू लग रही कहना एनिवर्सरी का गिफ्ट है, एनिवर्सरी का गिफ्ट के लिए मैंने भी कह दिया, मैं बताऊं आपने के देना है, मैं बताऊं के देना है, मैं बता दूंगी की चीज की लोड़ मना वो दे दिए, फिर फिर गए चंडीगढ़ दिल्ली जाए कह रहे थोड़ा सा पक्का ले रहे हो आगे में, ये चक्कर लग रही जी भी नहीं लिया तो फिर मैं है कुनी, पर सही मैं रोज ये पे सकता मैंने पहला मैं दिया ये भी जो कुछ चंदा उठवा ले अपना आप
आप ले लो कुछ पाछत है कि मैं तो सरप्राइज दे रहा सीख लो जिंदगी में मन आप क्लियर कट बात बता दिए पाछत ताकि मेरा पर बात नहीं पड़ा बस तो चलो कोई बात नहीं देखा मैंने गिफ्ट मिलेगा ये के नहीं कल तक का वेट कर लो मैं जो गुब्बारे जो भी सामान खरीदेगे वही गिफ्ट है मेरी तरफ से ठीक है कट्टा बट्टा सौ साल की कट्टा मैं चूड़ा देख ली पर इनमें तो मेरा एक भी चूड़ा पसंद नहीं आया इनमें तो भी नहीं आया सेम सेम से डिजाइन है अब मैं कुछ और देख रही हूँ और सोच रही हूँ मन नु लग गया और या कुछ नहीं लेंगे सिर्फ डब्बे खंडवा मिल गया तो ये देख दे रिंकू चूड़ी सी मणिया छाणी पर ये भी इसका पसंद को नहीं आई और लग रही है देखनी क्या बनेगी बात क्या नहीं मेरा नहीं भी मैंने थोड़ी सी तो शॉपिंग कर ली के करी वो अपने मैं घर आ जाके दिखाऊंगी पर गाड़ी में इसने रख दिया और फिर गाड़ी थोड़ी आगे करे है क्योंकि थोड़ा सा बीच में लग गया अगर जगह खाली होगी तो फिर हाँ जूते चप्पल की दुकान पर उधर इनको लग रही है चप्पल देखने इतनी सारी चप्पलें तो मैंने देख ली पर इनमें तो एक भी पसंद को नहीं आई क्योंकि मैंने थोड़ी सी फैंसी भी चाहिए है और फ्लैट में भी चाहिए है क्योंकि हील मेरे पास बहुत ज्यादा है तो देखते किसी और दुकान पे ट्राई करेंगे अगली शॉप में आए हैं उधर देखते हमारा कुछ पसंद आएगा याद कर एनिवर्सरी तो आपकी याद भी ले लो रिंकू मैडम जी अपनी देखने पैर पैर कोई पसंद आवा नी मैंने बनाएगी बात के मेरे को नहीं तो ले लिया रिंकू ने चप्पल चप्पल कहूँ सैंडल से मतलब हुए भी ले लिए इसने और एक नहीं एक ही कहकर दो जोड़ी ले लिए तो भी चल पड़े आप आग गए और जो भी सामान रह रहा उसकी और शॉपिंग करा शाम होने हो रही है अंधेरा इस करके भी हो रहा है क्योंकि दर्द हो रहा है तो बस इब करके सारी शॉपिंग और फिर घर चला आप तो इब तक जो भी सामान लिया है वो दर्द दें गाड़ी में एक बार और फिर चलन दोबारा था गाड़ी ने बंद करके आगे की तरफ हमारी आगे दुकान है आप वे लेवांगे नहीं वे वो फोड़न वाले चमकने चमकने लिखड़ा करा इसमें फिर वे अपने फोड़ा का कौन आप तो खुद ही फोड़ने पड़ेंगे मेरे ख्याल में खुद ही चलाना पड़ेगा काम इस पर शायद कौन मिला इस पर तो केक और वो ही मिला अगर रियल मैंगो की वो आइसक्रीम मिल जाएगी अंकल रियल मैंगो हाँ असली आम दिखाइए कौन सी है कुछ सामान ले लिया देखते हैं कैसे डेकोरेशन करते हैं नैन साहब कल ठीक है आप करियो आप मैंने सरप्राइज दियो कल सियाने सियाने आप समझदार आपने सामान दवा दिया और सरप्राइज और दे दियो फिर तड़का सजाया और दियो ना तो फिर तो ही वापस चल पड़े हैं वापस लेके सारा सामान रह गया तो नहीं कुछ है मेरे आगे मेनू फोड़ने वाले मनो काम में ही पै गए अपनी एनिवर्सरी पापा ने फोड़ने हैं कोई दुकान आगे मिल गई जरूरत ले जाएंगे नहीं जे फिर गांव में पै जाएंगे और गांव में तो ले लेंगे अपन ये चलना अपन चकोतरे लेने आप खातिर चकोतरे बनाने चकोतरे और हल्की हल्की बारिश भी आ गई है मनु लग तेज आओगी दमदान साइड तो शायद मौसम कम हो रहा था उरे आए तो ज्यादा हो पाया उरे तो मेरे ख्याल में सारा वो अपना भी मिल गया था हां सुबेरे भी बारिश आ रही थी तेज तो मनु लग रहा है कणक की सीधी सी करनी है रामनो हां अभी जरूरत को नहीं पकड़ पा रही थी जब मई में एक भी ना मैं तो ले ले सारा सिस्टम सेट हो लंदा मतलब सबके दाने लिगड़ लंदे पर चीज यह है कि खराब कराया सारे कणक रीक जगह तो बिल्कुल सुत्ती है कणक जमा सुए दी और हमने 10 के पापड़ भी ले लिए और लग सही चबाए जाओगे और जुकर भी गांव का नहीं जान लग रहे हैं हनुए बारिश तेज होंगी जान लग रही है कैडन पहुंचे है पूरा तो और भी तेज जान लग रही है तो पहुंच लिए बापा घर और तैर ली सीधी हो गए सीधी जमा सीधी हो गए फिर समान तक न तो चाल भी पानी वाली बोतल जोन सत उतरा वो तैर ले बाकी में ले आऊं तो बापा पहुंच लिए हां घर और मैं पीऊं हूं चाय करवा के एक बार चाय पीऊंगा फिर तब ने रिंकू मां तरत ने तरत दिखाई देगी के सामान ये ले आई है एनिवर्सरी की तैयारी कर शॉपिंग है
और ये बात है टुआना है मैम, ये मैं जाऊं हूं नरवाना है क्योंकि मैडम जी की ड्रेस आई है, पता नहीं सूट आया है क्या आया है, वो लेके आना मैंने, तो मैं ही जाऊं हूं नरवाना है। 7 बजे नरवाना वहां से आएगी, तो वो लेके आना है मैंने। बारिश का मौसम हो रहा है, जाना तो पड़ेगा ही। गोपुर का ऊपर मैं साइकिल ले आऊंगा उसी गांव में। और 6:54 हो गए, मैं फाटक पे तो लिगड़ा हूँ नरवाना है, और उरे काफी देर फाटक पे खड़े रहे, रेल आवे थी बंद थी फाटक, तो मैंने सोचा मैं लेट हो जाऊंगा क्योंकि टाइम दे रखा था 7 बजे का बस का। और मैंने जो है कनेक्टर लोग फोन करया नंबर था, तो उसने बताया कि 7:30 बजे आएगी भाई, 7 बजे को नहीं आती गाड़ी, मतलब बस 7:30 बजे नरवाना बस स्टैंड पर पहुंचेगी। तो ये मैं आता पौना घंटा पहला आ गया क्योंकि लेट भी 7:30 तक भी लेट हो जाएंगे, मेरा बारिश का मौसम है धीरे धीरे आवे, तो पहला ही आके बैठ गया मैं, और इतना घर काम कर लंदा कि मैं। और मैं ये काफी देर हो गए नरवाना ही खड़े हूँ बस स्टैंड पे, 7:24 होगी पर लग बस आई को नहीं है, वेट में खड़े हूँ मैं, कोई बस आ कोई मैं लेकर जाऊं। और ये बस 7:50 हो गए, लेकर तो चल पड़े हूँ मैं रिंकू का सामान, पर यू रह गया था बस इन ले लियो, क्योंकि मैं बस स्टैंड के भीतर खड़े रहे, मैंने फोन करे बंदे लो बस आया लो मखा ही नहीं भाई, तो बोले कि इसार रोड पे था मुड़ लिए हाँ नरवाना का नहीं, और थोड़ी देर में बस पहुंचेगी मैं, ठीक है मैं बस स्टैंड के भीतर जाया खड़ा हो गया। और फिर मैंने 20 मिनट पाछा बाट देख के फोन करे, तो कहो बस तो जाए ली मैं कड़ा जाए ली नुका बैर की बैर बस स्टैंड में तो पड़ी है को नहीं, और तेरी मैं यार फोन तो कर दें देखा मैं कम भाई बंदा वेट में खड़िया। फिर जाके बस एक पंप पे खड़ी हो रही थी, ओढ़ा गया मैं, और वो बंदा दोबारा बुलाया मैंने, फिर उस बस में सामान चक्कर लेके आया हूँ मैं, यानी इतनी वो हो गए पंगे। अर जय रह जाता नहीं रिंकू मेरा गड़ पड़ जाती समान ना जाने का कौन ले आई होगी ना करो के थे गए तो लेने थे बच गई जान। और इमान ने रोटी राटी खा ली थी सारा इनका काम ने मेड़ लिया, और ये बैठ गई है रिंकू की शॉपिंग की पिटारी खोल गए। तो सबसे पहले तो ये सूट है इसमें मेरा रेड कलर का सूट है, ये तो आपने कल देखने मिला गया, ये साइड रख दो जी के लेके आई थी किश्ती में बहुत कमाया आज। क्या बस का टाइम था 7:30 का, उती 7 बजे बतेरे गया जाएगा बड़ा खड़े रहा बस स्टैंड आ गया। फिर मैं बोलिया महा फोन करे 2-3 फिर फोन करे उस बोले गए मना फोन करे बोले गया कि बस भाई ने कहीं सार रोड पता उतर ली नरवाना का नहीं, मैं बस स्टैंड का भीतर जाया खड़े हो गया 20-25 मिनट वेट करया कोनी आई बस। फिर फोन करया महा भाई नु बस तो जैली बैर होगी बैर लेके बस स्टैंड के भीतर बैठिए को नहीं, एक पंप पे खड़ी थी फिर उड़ा बुलाया मुड़ के बंदा है तो वे चल फिर उस पर लेकर फिर आया। बता दो बता दो चल एनिवर्सरी पोप कहो तो को पोप पोप देखिए कोई माँ पोप कौन चल यार तो जीत ने गुठी करवाई है मेरी के नाम की डायमंड की, और इसे तो काम से लेना पड़ेगा मैंने तो कह दिया सारा सामान इस तरह तू आना लाज ये चूड़ी ले जाएगी चूड़ा की चूड़ी है ये चूड़ा ले चूड़ा तो घना महंगा दे 2800-2800-3000 फलाने की चूड़ी ले है ये इसके आगे पीछे ले जे वहां चूड़ा है ही मेरे पे नु ले चली है बड़ा सा चूड़ा है मैं सूत्री है तेरे को तेरी तेरा भी लेवे थी या फिर एको था उसमें पेच साला पेच वाले वहां बड़े पांव
ना साइज तो ठीक था पर डिजाइन एक था और एक के थी जोड़ी और वो भी जमा सही था ओके था मतलब जो कि मेरा छोटा था आपको तो सही आ गया रेट वाइज भी वे ठीक थे मतलब जो रेट बोला अपन कम दे कोनी रेट तो हम लोग कम ना मैं ठीक थे वे माल लेनी पड़ेगी एक दिन अपन सारे रेट आए कोई मेरा पसंद आ गया तो जल्दी कोई ले रेट तो ठीक खाऊंगा मैं बताने लग जी बड़े महंगे हो तो मैं अपना इनके रेट से तो ऊपर वाली चीज में लेंदी लेंदी कोनी वही तो नहीं कहते बस ढाई सौ के अगर आप हो तो फिर आराम वे दरिया मेरे माँ का ले जूंगा उसका आपका एक के साइज है मेरे दाम देखो ना हाँ मतलब उसका फिर गिले गिले से आधे से चढ़ जाइए मेरा मारना है इसमें है मेरा कुछ सामान मेकअप का दिखाऊंगा भी लड़का मेकअप करूंगा जब दिखाई दूंगा सबसे पहले मेरा शैम्पू फिर उसके बाद है ये ले लेकर दरी जब न लम देंगे ले और सो और सोई सी बना और सोई इस शैम्पू लम दी कोनी के मेरा लावा कर दी मैंने इसका ये लेके आई और के मैं को लेके आई टिक्की बिंदी लिपस्टिक लिपस्टिक कुछ को लेके आई मानो का यार उस अरे एक यो लेके आई हूँ यो गर्मियों में मेरे जीत के दोनों अगर क्योंकि जीत स्मेल मेरे जाने पसीने आ रहे हैं सेंट को नहीं सेंट इसकी फ्रेग्रेंस अच्छी है सेंट की तो मारे भी चढ़े जीत के भी चढ़े मेरी माँ का भी गाड़ी में भी भूडी डालो जी तो ये थोड़ा थोड़ा लगा लेनी अंडरआर्म्स में को तो इसमें एंडी फ्रेग्रेंस है मतलब वाह को नहीं चढ़ दी सी को नहीं सिर में बस यो इसमें और तो कल रेडी होंगी नहीं ननू पहले इसमें कल रेडी होंगी मेरा सामान है लाल रंग की नेल पेंट में पतली सूट है मेरा एक चप्पल तो ही लगी फिर उन ऑफर दे दिया फिर जीत में दो दो आइडिया के हां वे हील तो सारी घणी है मेरे तो रहनो तो हील तो हां और घणी हो रही है और जूती भी गर्मियों में काम को नहीं आवे तो उस करके मैं मेरे लिए ज्यादा नहीं चाहिए फ्लैट एक की जोड़ी एक ले आले ही पसीने आ करके मेरे गर्मियों में ज्यादा वेलवेट सा था सही रहूंगा नहीं कपड़ा देखी मैंने दुआ दिया जिस तक है गिफ्ट ये दुआ दिया चप्पल रग पैर उतरता फिर फ्रॉक सी घागरे से पैरों में कई बार इन पर भी चल जाएगी पेंट प्लाजो पर भी चल जाएगी गर्मियों में सही रहूंगी मेरे लिए तो बस ये दो गिफ्ट दिए हैं दो नहीं कह हुए हैं एक शैम्पू एक दो तीन चेयर सासू बहू की सियाणी बन रही है बूंद आएगी पूरी तगड़ी बारिश आएगी शोर शराबा सुन उसको आप इसका मतलब तो आप सच बोल रहे हो मेरा यार रो रहा है तो बस ये गिफ्ट था हमने मेरे जो मैंने इस्ते दिए हुए देख लिए हैं और बाकी तड़का सेलिब्रेशन की शराबा को आपने देख लिया फिलहाल तो बस यू था हमारा आज का व्लॉग किसा लग गया लाइक करिए शेयर करिए अच्छा मेरे मारे बहन दो साल हो गए कि कुछ एक्सपीरियंस रहा मेरी माँ का मारा वो आप तो तड़के शेयर करा ना वो किसा वो एक्सपीरियंस रहा कि चीजें कल ना तो सारा इंजॉय का ही व्लॉग आवागा वह वीडियो आपने या तो ये देख लिए तड़के शाम ने ही 5 बजे अपना जी जंक्शन पे आ जाएगी वीडियो मम ई बनाओगे मतलब देख लें कोई मम बना बैठ के सिर्फ धरत मारा एक्सपीरियंस चीजें वह सारी बतावागे मम ठीक है गुप्तगू करेंगे आपके साथ जीत जंक्शन पे शाम को 5 बजे कल तो बस यही थी वीडियो किसी लगी कमेंट कर दियो शेयर कर दियो और न्यू चैनल मैं तड़के मां कोनी कान आंदा है